क्या द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम पाने के लिए कुछ खोने के लिए तैयार हो आप? क्या आप अपनी जान पर भी खेलेंगे? कोई वो भी कर जाते हैं और इसी सपने का पीछा करते 11 गुजरातियों का एक गुट कैरावैन गाड़ी में घुसकर बैठे और जनवरी 18, 2022 की सुबह की सर्दी में कनाडा के छोटे से गांव एमर्सन में एक साधारण सा घर पहुंचे। इस गांव की खासियत ये है कि वो अमेरिका के नॉर्थ डकोटा राज्य से जुड़ा हुआ है, एक इलाका जहां से कई लोग गैर कानूनी सीमा पार करते हैं। 11 लोग जो वहां पहुंचे उस दिन, उसमें से एक था एक परिवार 4 का, 39 साल के जगदीश पटेल और उनकी 37 साल की पत्नी वैशाली, 11 साल की बेटी विहांगी और 3 साल का एक छोटा सा लड़का धार्मिक। अपने जिंदगी के सबसे बड़े सफर के लिए इन सभी ने करीबन 10 दिन पहले उनके उत्तर गुजरात के स्थित गांव दिंगुजा से निकले थे, जो अहमदाबाद से केवल 45 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले वे जहाज से 12,000 किलोमीटर टोरंटो उड़े एक मान्य और वैध कनेडियन वीजा पर, और कुछ दिन के लिए वही होटल में ठहरे एजेंट के कॉल के इंतजार में, जो बता दे कि समय सही था। एमर्सन की नेगेटिव 35 डिग्री सेंटीग्रेड का मौसम गुजरात के बिल्कुल विपरीत था, जो जनवरी के उसी समय में +30 डिग्री था, जिस वजह से उन्हें इतनी सर्दी लग रही थी कि उनके आंसू भी पलकों में ही जम जाते थे। और डरावनी बात ये थी कि जगह सुनसान थी, दूर दूर तक बर्फ से ढकी हुई जमीन पर कोई इंसान नजर नहीं आता था। घर के अंदर भी राहत नहीं थी, भट्टी के लिए इतने लकड़ियां नहीं थी कि सब एक साथ भाप ले सके। चाहे जितना खाकरा या फाफड़ा वो खाते, बदन में ठंड ही लगी रहती। लेकिन उन्हें आश्वासन मिला उन दोनों तगड़े कनेडियन एजेंट से, जो उन्हें बर्फीली सीमा पार करने में मदद करने आए थे। कदम छोटे रखो ताकि संतुलन बनी रहे और आप गिरे नहीं। हम 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेंगे, जब तक सीमा के उस पार प्राकृतिक गैस के कारखाने की बत्तियां नजर नहीं आए। वहाँ लाल नदी के पास एक वाहन खड़ी मिलेगी, वो तुम्हें यूएस के अंदर ले जाएंगे, समझ गए? लेकिन वैशाली को अब भी अपने छोटे बच्चों की फिक्र थी। How will our children manage in this freezing weather? लेकिन एजेंट के जवाब ने उन्हें और कोई चारा नहीं छोड़ा। बर्फ का मौसम ही आपका सबसे अच्छा मौका है ना पकड़े जाने का। नहीं जाना चाहते तो चले जाओ वापस कनाडा, या लौट जाओ इंडिया, आपकी मर्जी। जगदीश अपनी घबराई हुई पत्नी को दिलासा देना चाहा। अमे आ दूरा आवामा माटे बहु संघर्ष करियो छे, बच्चनो भविष्य माटे सोचो। जगदीश के लिए और कोई उपाय भी नहीं था। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई अलग अलग काम किए थे। कलोल शहर के सरकारी स्कूल में अध्यापक बने थे, गांधीनगर में अपने भाई के कपड़ों के कारोबार में व्यापारी की, और कुछ समय के लिए पतंग भी बेची। लेकिन उनके सारे मेहनतों की कोशिशें नाकाम रही। तो 2021 में वो अपने गांव दिंगुजा लौटे और पुश्तों से आई जमीन पर खेतीबाड़ी शुरू की। वैसे पटेल परिवार काफी अमीर था, खुद का अच्छा सा 2 मंजिले वाला घर था। उनकी माँ मधु पटेल गाँव की उप सरपंच होने के नाते सम्मान की नजरों से देखी जाती थी। लेकिन बाकी पतेदार समुदाय की तरह उनकी भी जमीन बंटवारा होते होते छोटी हो चुकी थी, और खेतीबाड़ी अकेले उनके बढ़ते परिवार की आशाओं को पूरा नहीं कर पाती। इसी कारण से पतेदार समूह सरकारी नौकरियां में आरक्षण मांगने भी निकले थे, जो उन्हें इनकार किया गया। तो बचा यूएस, और अब दिंगुजा का लगभग हर कोई घराना गर्व से परिवार का एक सदस्य तो अमरीका भेजता ही था। लेकिन जगदीश के कुटुंब से कोई भी नहीं गया था, तो उसने ये सोचना शुरू कर दिया, सिर्फ खुद के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि अपने वंश का नाम रोशन करने के लिए भी। यूएस पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। गांव के हर गली के दीवारों पर विज्ञापन चिपके हुए थे, जो अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंसी और स्टूडेंट वीजा फटाफट व्यवस्था करने का वायदा करते थे। दिंगुजा का हर घर कॉस्टको कैंडी और हैलेपिनो वेफरों से भरा था, जो नए अप्रवासी घर ले आते थे। बताए तो उत्तर गुजरात से कोई भी, चाहे वो गलियों का आवारा हो या MBA ग्रेजुएट, अमेरिका पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, चाहे उन्हें डंकिन डोनट्स बेचना पड़े या शौचालय की सफाई। हाल इतने बुरे थे कि यूएस में परिवार का कोई सदस्य अगर न हो तो दुल्हन मिलना भी मुश्किल थी। यूएस नहीं तो शादी नहीं, क्योंकि अप्रवासियों एक बार वहां पहुंचे तो दरिया दिल होते हैं अपने डॉलरों के साथ। गांव पैसे भेजकर बड़ा योगदान करते हैं, पाठशालाओं का निर्माण, बाजार और मंदिरें बनाकर, और एक किस्से में तो पंचायत बिल्डिंग भी खड़ी करवा दी। खासकर दिंगुजा के ब्राह्मणी माताजी मंदिर ट्रस्ट को बड़ी संख्या में डॉलर डोनेशन मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप
वो युवाओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए 0% का लोन देते हैं। हाल ही में एक अनामदाता पतिदार रूपल गांव में स्थित वरदायिनी माताजी मंदिर को $1.5 लाख का योगदान दिया, जो वायरल हुआ था, इसीलिए कि $3,050 की नोटों से मालाएं बनकर मूर्ति को सजाया गया और पूरे मंदिर के दीवारों पर चिपकाया भी गया। अब समझ आती है बात, क्यों गांव वाले प्रवासी भारतीयों को इतनी इज्जत और सम्मान देते हैं और क्यों जगदीश भी वही चाहता होगा। ये थी उनकी मानसिक दशा जब जगदीश पटेल अपने परिवार को लेकर एमर्सन आए थे। उसकी पत्नी वैशाली, जिसके कदम अंतिम वक्त पर डर से जम गए थे, आखिरकार बात मान ली। तमे बराबर बोलो छो जगदीश, आ अमने करवो जोइए। नए जोश के साथ सब आने वाले सफर के लिए तैयार होने लगे, सेम जैकेट, ग्लव और काले रबर के जूते पहने। वैशाली भी बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने लगी और उनकी उत्साह बढ़ाना चाहिए। बाहर ठंडी हसे, आने एडवेंचर तरीके विचारो। लेकिन गुजरातियों को भारी ठेस पहुंची जब उनके लोकल एजेंट उन्हें सामान्य दिशा की ओर इशारा करके इस तरफ जाओ सीधे अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए, उन्हें इस खतरनाक सफर में अपने हाल पर छोड़कर। और खतरनाक बात ये थी कि जल्द ही सूरज ढलने वाला था और थोड़े ही समय में पूरा अंधेरा होने वाला था। अमित बनने एजेंट बगैर केवी रीते आकर सु भगवान अपनी भाग्या ने खूब नजदीक लाविया छे, तेना अपना मदद कर से। इस आशा को पकड़े सब आगे बढ़े, विहांगी अपनी माँ का हाथ पकड़े और धार्मिक जगदीश की गोद में। लेकिन 50 किलोमीटर की गति की हवाएं हर जगह बर्फ फैला रही थी और कुछ ही घंटों बाद एक तूफान ने बुरी तरह से दृश्यता घटाई। चुपती हवाएं अब दोनों बच्चे को बड़ा परेशान करने लगी, जिससे दोनों को रुककर अपने बच्चों पर ध्यान देना पड़ा। सांस नहीं ले सकती मम्मा, थोड़ू वधारे टाइम छे बेटा। बाकी सब इस बात से अनजान कि जगदीश वैशाली पीछे रुके थे, आगे चलते रहे और ये चार झुंड से बिछड़ गए। जगदीश ने चिल्लाकर उन्हें आवाज देने की कोशिश की, बचाओ ठहरो, लेकिन बर्फ की सरसराटी हवा में उनकी आवाज कोई ने नहीं सुनी। उन्होंने फोन निकालकर कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला। इधर उधर नजर फैलाई इस तलाश में कि कहीं शरण ले सके, लेकिन हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आया। डरे हुए थे दोनों, मगर और क्या कर सकते, वो आगे बढ़े बर्फीली जंगल में। लेकिन क्या वो अपने ख्वाबों की मंजिल तक पहुंच पाए? चूंकि यूएस मेक्सिको बॉर्डर का मौसम भारत जैसा गर्म है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के अप्रवासी यहाँ से आना पसंद करते हैं। लेकिन यह रास्ते में अड़चन आई जब ट्रंप सरकार के दौरान सीमा के कई इलाकों पर दीवार खड़ी की गई और टाइटल 42 के वजह से भी, जिसके तहत सीमा अधिकारी प्रवासियों को तुरंत वापस भेज सकते थे ताकि कोविड न फैले। इसीलिए अवैध घुसपैठियां अब कनाडा की भी ओर से आने लगे थे, जहां सुरक्षा भी कम थी। लेकिन जिस सुबह जगदीश और उसका गुट सीमा पार कर रही थी, उसी वक्त सुबह 9 बजे एक यूएस बॉर्डर पेट्रोल टीम वही खड़ी थी। यहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने उस वैन को पकड़ा था जो गुजरातियों को यूएस साइट पर मिलने वाली थी, जिसके अंदर कुछ और अवैध प्रवासियां भी मिले जो उसी रात सीमा पार किए थे, जिसमें से 2 भारतीय भी थे। सभी को हिरासत में ले लिया गया और अमरीकी ड्राइवर को भी, जो इस गैर कानूनी कार्य में शामिल था। पेट्रोल टीम अब सीमा से लगते और कुछ किलोमीटर चले तो क्या देखती है, एक साथ लोगों का भारतीय गुट जो घुटनों तक के बर्फ में चल रहे थे। उन्हें देखते ही पुलिस समझ गई कि उनकी हालत बहुत खराब थी, हाइपोथर्मिया होने पे था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, प्लीज हमारी मदद करो, ठंड से हालत बुरी है, 11 घंटे से हम इस मौसम में चल रहे हैं। बंद कर दो सबको, लेकिन हाँ पहला अस्पताल ले जाओ। सीमा बल अपनी रक्षक क्षमता की शाबाशी की, मगर उनकी खुशहाली समय से पहले थी। अफसर की नज़र एक खिलौने और डायपर से भरे बैग पर पड़ी, जो लावारिस बर्फ की फर्श पर थी। आपका है क्या? नहीं, एक दूसरा परिवार था बच्चों के साथ हमारे काफिले में, रात में हम बिछड़ गए, यही होंगे कहीं। ये जानते हुए कि इस सर्दी में जीने और मरने का फर्क सिर्फ समय का खेल था, सीमा बल अपनी पूरी ताकत से एक तत्काल खोज जारी किया, ड्रोन और ऐसे वाहनों के साथ जो इस नर्म बर्फ में चल सके। एक छोटी सेना इकट्ठी कर दी उन्होंने, जो सीमा के दोनों ओर फावड़े के साथ ताजे गिरे बर्फ को खोदना शुरू किया। खोज और बचाव प्रचालन के 4 घंटे की मेहनत के बाद
यूएस बॉर्डर के महज 12 मीटर की दूरी पर अब भी कनाडा के मनेतोबा के अंदर उन्होंने पाया 4 बर्फ से जमे हुए लाश। बाप और बेटा एक साथ बिलखते हुए और माँ और बेटी हाथ हाथ मिलाए कुछ दूरी पर, अपने सपनों की दुनिया से इतने करीब पर जो अब ख्वाब ही रह गया। उनकी मौत भारत के हर अखबार और न्यूज चैनल में ऐलान हुई, और बावजूद इसके कि गुजरात प्रशासन पर भारी दबाव डाला गया उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे, फिर भी पुलिस को 11 महीने लग गए पहली सफलता हासिल करने में, जब दिसंबर 2022 में अहमदाबाद में एक जुए का अड्डा उन्होंने रेड किया, जहां उन्हें मिला बॉबी उर्फ भरत पटेल, गुजरात में मानव तस्करी करने वाला सबसे बड़ा शख्स। उनके ठिकाने के रेड में मिले 28 पासपोर्ट जो उसने भारतीय सरकार से कानूनी तौर से पाया, मगर हर एक में कुछ मामूली अंतर थे जिससे वो यूएस बार बार जा सके बिना अपने पर शक लाए। हालांकि लीगल सिस्टम की खामियों का फायदा उठा के वो 3 हफ्ते में जेल से छूटा। पुलिस ने लोकल तस्कर भावेश और योगेश पटेल को भी पकड़ा, जिन दोनों ने माना जाता है जगदीश से 1 से 1.5 करोड़ रुपए लिए होंगे सीमा पार करने के फीस, एक रकम जो शायद उनकी जिंदगी भर की कमाई होगी, और इतना जोड़ने में शायद अपनी जमीन भी गिरवी रखी होगी। अंदाजा है कि पिछले कुछ सालों में इन दोनों ने दिंगुचा के 10 परिवार कनाडा भेजे हैं, जिसमें से 3 अब तक लापता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जगदीश का बड़ा भाई महेंद्र पटेल ही था जिसने जगदीश को इनसे मिलाया, जिस वजह से वो भी इस मामले में शक के दायरे में है, और संकेत है कि वो एक दूसरे गैर कानूनी मामले में भी मिला जुला था, जहां 9 गुजरातियों का एक नाव जो अवैध रूप से नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज द्वारा अमेरिका में घुसना चाहती थी अटलांटिक महासागर में डूब गई। जांच एजेंसी ने मालूमात किया गुजरात के 3 जिले जहां से सबसे ज्यादा गैर कानूनी इमिग्रेशन होती है, और तोड़ा उनके काम करने के तरीके के 4 स्तर, जहां पहले एक स्थानीय एजेंट जिसे कबूतरा कहा जाता है अवैध रूप से विदेश जाने के इच्छुक लोगों की पहचान करता है, दूसरा एजेंट और जानकार होता है जो समझने के काबिल है कि किस किस्म की वीजा होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या कागजात लगेंगे, सबसे ऊपर होते हैं बॉस लोग जो अपने कनेक्शन द्वारा जाली दस्तावेज बनाते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट, घर के कागजात और जन्म प्रमाण पत्र। आखिर में होते हैं विदेश में उनके साथी जो प्रवासियों को सीमा पार करने में मदद करते हैं, पर जो जगदीश और उनके साथियों को बीच बर्फ में अकेले छोड़ दिया। अमरीकी अधिकारियां भी एक फेनिल पटेल और उनके साथी बिट्टा सिंह की तलाश में है जो कनाडा साइड से ये सब नियंत्रण करते हैं। गजब की बात तो ये है कि बावजूद इसके के भारतीय जन्मा राजेंद्र पाल सिंह जो जेल में है वो भी इस मामले में संदिग्ध है। हालांकि कनाडा के इमिग्रेशन कानून आसान और सस्ते हैं, गुजरातियों फिर भी ज्यादा मुश्किल यूएस जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां उनके जैसे गुजरातियां भरे हुए हैं और पटेलों का 1.5 लाख से अधिक का समुदाय है, जैसे देखा हमने फिल्म कल हो न हो में। बता दें कि गुजराती यूएस गए 3 लहरों में। पहला लहर 1960 के दशक के बाद था, जब कानूनी तौर से शिक्षित डॉक्टर और इंजीनियर वहां गए। दूसरी लहर में यही लोग अपने परिवार को ले आए फैमिली कोटा जरिए, और अब आ रही है आखिरी लहर निचले और मंझले वर्गों के पतिदार जो जान की बाजी लगाकर अवैध रूप से वहां जाना चाहते हैं। और हालांकि यह हादसा ने बताया कि कनाडा सीमा से पार करना कितना जोखिम से भरा है, ऐसे करने की कीमत बड़ी 45 लाख प्रति व्यक्ति से 65 लाख अब। फिर भी जिद्दी गुजराती अपने जान पर दाव लगाकर और अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर ऐसा करते रहते हैं अमेरिकन सपना जीने के लिए, क्योंकि इसके 5 महीने बाद भी मई 2022 में अमरीकी सीमा बल फिर से 6 लोगों को सेंट रीजिस नदी में डूबने से बचाया, जब कानून तोड़कर वो सीमा पार करने की कोशिश में थे। लेकिन गुजरात के महसाने से 4 सदस्य चौधरी परिवार इतना नसीबदार नहीं था, जब उनकी नाव सेंट लॉरेंस नदी में पलटी और सब डूब गए। जगदीश पटेल के मृत्यु के 9 दिन बाद कैनेडियन अधिकारियों ने उनके पिता को खबर देने फोन किया। मिस्टर बलदेव पटेल, मुझे बहुत गम होता है आपको ये बताकर कि जो 4 लोग बर्फ में मिले वो थे। शोक परिवार ही नहीं पूरा गाँव मनाया। अगले दिन न तो कोई दुकान खोली और न ही कोई रास्ते पर निकला। अफसोस कि बलदेव पटेल अपने परिवार के शव को गांव वापस न ला पाए, क्योंकि हर लाश की वापसी में 20 लाख रुपए लगते हैं। तो दिलीप पटेल,
जगदीश का यूएस स्थित रिश्तेदार भारतीय समुदाय से पैसे इकट्ठा किया ताकि उनका अंतिम संस्कार सही तरह से हो सके। एक खिलौने की लारी और कपड़े से भरे जानवर रखे थे 3 वर्षीय धार्मिक के कफन में, और एक छोटा सा यूनिकॉर्न था उनकी बहन विहांगी पर, जिसके बाल में था एक प्यारा सा चमकता गुलाबी बो। सही में सबसे वजनदार कफन सबसे छोटे के होते हैं। बेसबुक की शायरी। न ख्वाब हुआ पूरा, न पहुंच सके मकाम, न सह सके सर्दी जिंदगी का दिया अंजाम, ख्वाहिश रही अधूरी, संघर्ष था नाकाम, ऐसा क्यों किया तूने और जोखिम में डाली जान। हमारे वीडियो कंटेंट के सारे स्रोत आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे।